नमस्कार, मैं सोनू कुमार, ब्राउन शुगर ड्रग्स के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। एक रिपोर्ट छपी थी दैनिक भास्कर के पेपर में, जिसे मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। ब्राउन शुगर नशा के बारे में अगर आप मेरा चैनल को देखते होंगे तो आपको अभी तक पता चल गया होगा ब्राउन शुगर क्या होता है, इसके नशा कितना खतरनाक है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले 13 से 20 साल तक के उम्र के विद्यार्थी भी ब्राउन शुगर, अफीम और मैथ जैसा उत्तेजित करने वाले नशा करने लगे हैं। ये लड़के जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले होते हैं, ये ज़्यादातर हॉस्टल में लड़के रहते हैं और हॉस्टल में दोस्त से सीख के ये भी बुरी संगत में पड़ जाते हैं, ऐसे बुरे नशे को करने लगते हैं। तो ज़्यादातर ये हॉस्टल में ही होते हैं, लड़के के माँ बाप साथ नहीं रहते हैं, उसे नौकरी में प्रॉब्लम, नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं, नौकरी लगती नहीं है, जिस कारण से वो उसके मन में चिड़चिड़ापन रहता है, वो उदास रहता है और उदास रहने के कारण वो ब्राउन शुगर के नशे को करने लगते हैं। ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्त में आए आरोपी ने पूछताछ में यह बात कबूल की है कि उन्होंने अब तक स्कूल कॉलेज के करीब 200 छात्रों को इस नशे की लत लगाई है। एक के कारण 200 छात्र, एक आदमी से 200 छात्र इस नशे के लत को पकड़ सकता, सोच लो कितने खतरनाक, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक। एक लड़के 200 छात्र को नशे की लत लगवा दिया। आगे हम दिखाते हैं, बताना चाहता हूँ कि इसे कैसे छोड़ा जाए, क्या मैं सुनाना चाहता हूँ। नशे के लिए घर से जेवर और रुपये चुराए, आम बात है। जो ब्राउन शुगर के नशा कर रहे हैं उसे इस बात का पता तो अच्छी तरह होता है कि ब्राउन शुगर पीने वाले घर में चोरी, जेवर चुराना, किसी के साथ मारपीट करके पैसा छीनना, ये सब काम इसके लिए आम बात होती है। क्यों? क्योंकि एक दिन में 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च होते हैं ब्राउन शुगर पीने वाले के लिए। एक लड़का अगर ब्राउन शुगर पीता है तो उसके दिन भर में 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च है। 2 से 3 हज़ार में अच्छी तरह भी वो नहीं पी सकता है, ज़्यादा ही खर्च है। तो वो क्या से लाएंगे इतने इतने पैसे, क्या करेंगे घर में, चोरी करेंगे। आरोपियों ने इंदौर रोड स्थित स्कूल में पढ़ने वाले 13 साल के नाबालिग को भी अपना शिकार बनाया। बताओ इतना घिनौना काम इसने किया है कि एक 13 साल का नाबालिग को इसने अपना शिकार बना दिया। ये नशा करने वाला ही जानता है कि कितनी खतरनाक नशा है। इसको एक दिन ना पियो तो मरने जैसा बन जाता है शरीर, हालत खराब हो जाता है, सर्दी बुखार जुकाम, नाक से पानी बहना, उल्टी होना, पेट दर्द, लेटरिंग होना, बहुत सारे शरीर के प्रॉब्लम आ जाते हैं। वो प्रॉब्लम जो आपने कभी नहीं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपके मन में
आपने बिना पिए आप रह नहीं सकते हो। आपके मन में छटपटाहट होने लगता है, बहुत छटपटाने लगते हो, रोने लगते हो। तो एक 13 साल के लड़के का अगर ये हाल हो जाए, सोच लो क्या होगा। और उसने किया, नशे के आदि होने के बाद वो कभी चिड़चिड़ा हो जाता था, हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा मन में, क्योंकि पैसे नहीं रहेंगे तुम्हारे पास, और पैसे भी नहीं रहेंगे, किसी से बात करने का मन भी नहीं करता, कभी गुमसुम रहने लगा। गुमसुम ऑटोमेटिक गुमसुम ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो बात कर जो इस नशा को करता है उसके मन में चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है, उसके मन में गुस्सा रहता है हमेशा, वो हमेशा गुमसुम रहता है, किसी से बात करने को उसका मन नहीं करता। वो जान रहता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन उस गलत काम को वह छोड़ नहीं सकता है, बहुत मुश्किल होता है छोड़ना, इसलिए इसे पकड़ना ही नहीं चाहिए। नशे के लिए उसने परिजनों के जेब से रुपये और घर से जेवर तक चुराए। सोच लो कितनी बड़ी बात है, जब रुपये नहीं मिलते तो उसने अपने वो परिजनों पर हमला तक किया। जब उसके जेब से नशे की पुरिया मिली, तब परिजन द्वारा किए जा रहे नशे की जानकारी मिली। परिजन को जब उसके जेब में पुरिया मिला, तब पता चला कि मेरा बेटा ब्राउन शुगर पीता। फिलहाल परिजन नाबालिग को उपचार करवा रहे हैं। उपचार की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बच्चे के मन में आत्मविश्वास जगाओ, उसे बोलो कि यह नशा बहुत खतरनाक है और तुम छोड़ दो इसको। शायद हो सकता है कि बच्चे के मन में आ जाए कि मुझे इसको छोड़ना, पर मैं छोड़ नहीं सकता। अगर ऐसा बात बोले तो आसान है उसको छुटवाना, बस थोड़ी सी उसके शरीर में जो रिएक्शन करता है उसकी दवाई उसे दो, लाके बहुत तो कंट्रोल नहीं लेकिन 20% दवाई कंट्रोल कर देता है शरीर के नॉर्मल बनाने में। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, 5 दिन परहेज करो, 5 दिन नहीं पियो, आगे कभी नहीं पियोगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने बिना किसी डॉक्टर के मैंने इसे छोड़ा, बिना किसी डॉक्टर का, बिना किसी दवाई का मैंने इसे छोड़ा, इसलिए मैं आपको भी कहता हूँ आप भी छोड़ सकते हो और ज़रूर छोड़ें। आगे मैं इसमें इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो मैं लाना चाहता हूँ, एक मेरी लाइफ जिसमें मैंने पिया और मैंने कैसे छोड़ा, क्या करना पड़ा मुझे, वो सारी बातें मैं बताऊँगा। ये वीडियो मैं 25 फरवरी के बाद मैं लाऊँगा। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्यों, जो कि मैं फरवरी में वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो बहुत खतरनाक वीडियो होगा, उसमें आपको सारा बातें जानकारी मिलेगी, कितना आसानी से छूट सकता है आप सोच नहीं सकते हो और आप छोड़ दोगे। बट चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कम से कम 100, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद।